हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भावना बुटीक। आज हम बॉर्डर वाली ब्लाउज में डबल कटोरी बनाना सीखेंगे। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ जो मेरे चैनल पे नए हैं, जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन को जैसे ही प्रेस कर देंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपके फ़ोन पे। मेजरमेंट वीडियो पे शो हो रहा है, ये मेरा बॉर्डर वाला कपड़ा है, देख सकते हो। दो बॉर्डर है, दो बॉर्डर को मैं लंबा कर ली हूँ दो फोल्ड में। एक बॉर्डर को मैं ऊपर छोड़ दी हूँ, एक बॉर्डर को नीचे रखी हूँ। कपड़े को आपको दो फोल्ड कर लेना है, उसके ऊपर आपको अस्तर बिछा लेना है। अस्तर बिछाने के बाद पहले मैं नीचे वाले साइड से मैं ले रही हूँ मेजरमेंट, क्योंकि पहले पीछे का पार्ट निकालना है मुझे, ताकि एक बॉर्डर पीछे पड़ जाए हमारा, एक बॉर्डर पीछे आ जाए और एक बॉर्डर आस्तीन के लिए आ जाए। तो वैसे ही जैसे मेरा मेज़रमेंट है उस हिसाब से मैं नाप ले रही हूँ कपड़े में। आपका मेज़रमेंट के हिसाब से आपको नाप लेना है, मैं अपने मेज़रमेंट के हिसाब से मैं इसमें कपड़े में दिखा रही हूँ, आपको अपने नाप के हिसाब से कटिंग करना है। तो बॉर्डर वाले ब्लाउज को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि कैसे आपको बिछाना है। तो एक बॉर्डर को मैंने नीचे तरफ रखा है और एक बॉर्डर को मैंने ऊपर साइड रखा है। जो नीचे वाला साइड है उसको मैं पहले आपको ये बैक पार्ट का कटिंग करके मेजरमेंट करके दिखा रही हूँ। ये अब मैं सामने वाला ऊपर साइड रख रही हूँ। जो बैक पार्ट का जो किए हैं जो हम लोग मेज़रमेंट, उसके ऊपर में ही हम लोग को फ्रंट पार्ट का ही पहले मैं ये पेपर कटिंग कर ली हूँ। पेपर उसी नाप से करना है आपको पेपर कटिंग, जिस नाप का आपका ब्लाउज है उसी को मैं एज इट इज पेपर कटिंग को रख रही हूँ। मैं डायरेक्ट कपड़े में कटिंग नहीं करती हूँ, मैं पहले पेपर में कटिंग कर लेती हूँ। ये डबल कटोरी वाला है तो इसको मैं पहले पेपर में कटिंग कर ली थी, उसके बाद मैं कपड़े में लगा ली हूँ इसी को परमे के नाप के हिसाब से। अगर आपको सीखना है पेपर कटिंग तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। जिनको सीखना है कटिंग, ब्लाउज कटिंग, वो कमेंट कीजिए, मैं उनको कटिंग करके भी दिखाऊंगी वीडियो में। क्योंकि यह डायरेक्ट कपड़े में कटिंग करने से हमारा कपड़ा वेस्ट हो जाता है, इसलिए आप पहले पेपर में कटिंग कर लीजिए फिर कपड़े में उसको लगा लीजिए। अब मैं कटिंग करके भी दिखा रही हूँ आपको। जैसे मैंने निशान लगाया है, पहले मैं बैक पार्ट का जो बनाई थी पीछे वाले पार्ट का, उसको मैं कटिंग करके दिखा रही हूँ। फिर सामने वाले फ्रंट पार्ट का जो मैं पेपर कटिंग जो लगाई थी फर्मा, उसको भी मैं आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ। जैसे आप निशान लगाए वैसे आपको कटिंग कर लेना है। ये मेरा कटिंग कंप्लीट हो चुका है, बैक पार्ट का फ्रंट पार्ट का दोनों। अब हम सिलाई करेंगे। ये मैं अस्तर और कपड़े को पहले जोड़ ली हूँ, पहले से मैं जोड़ के रखी हूँ। अब इसको हम लोग सिलेंगे। अस्तर और कपड़े को आपको पहले जोड़ लेना है, फिर उसके बाद सिलाई। डबल कटोरी को कैसे सिलना है देख सकते हैं। जो नीचे वाला पार्ट है पहले इसको आपको सेंटर बना लेना है। सेंटर बना के आपको इसमें एक इंच चौड़ा करके
इसमें आपको टक्स लगाना है। जैसा पीछे वाले पार्ट में टक्स लगाते हैं, सेम इसमें भी आपको ऐसी टक्स लगाना है। टक्स लगाने के बाद आप देख सकते हो मैं कैसे लगा रही हूँ, वैसे ही सेम आपको भी करना है, करके आपको इसमें सिलाई लगाना है। इसमें डबल सिलाई करना है। डबल सिलाई करने के बाद फिर आपको इसको ऊपर वाले पार्ट के साथ जोड़ना है। ये देख सकते हो मैं आपको दिखा भी दे रही हूँ, इसमें वीडियो में आपको एक इंच लेना है, एक इंच नीचे से चौड़ा लेना है। फिर इसको आपको तिरछा करके कोन बना के इसको निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद आपको उसी में आपको सिलाई चिल्ला लगाना है। सिलाई आपको डबल ही लगाना है ताकि सिलाई इसमें पक्की हो जाए, मजबूत हो जाए। फिर इसके बाद आपको ऊपर वाले पार्ट के साथ इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, ये डबल कटोरी वाला है तो जिन लोग कभी सिले नहीं उन लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो आपको जो नीचे वाला पार्ट था डबल कटोरी का, जो कोन बना हुआ था पार्ट, जो एक इंच हम लोग उसमें टक्स लगाए हैं, उसको नीचे साइड रखना है और पतला वाला साइड जो कम सिलाई हुआ है उसको ऊपर साइड रख के उसमें हम लोग ऊपर वाले पार्ट के साथ कटोरी के साथ इसको जोड़ना है। जोड़ ली हूँ, अब इसको मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसा दिखेगा। ये कटोरी शेप में आ जाएगा। ये इसको ब्रा कटिंग भी बोलते हैं, डबल कटोरी भी बोलते हैं। मेरा कंप्लीट हो गया है। अब इसको चोली के साथ हमको जोड़ना है कटोरी को। सेम आप जैसे सिंगल कटोरी जैसे सिलाई करते हो, बाकी पूरा वैसे ही सिलाई कर लेना है आपको, जैसे आप पहले सिलाई किए हो। अगर आपको नहीं पता है तो मेरी पहले की वीडियो और भी वीडियो में मैं पूरा दिखाई हूँ सिंगल कटोरी कैसे सिलाई करते हैं, तो उस हिसाब से आप मेरी वीडियो देख के भी कर सकते हो। चोली और कटोरी को इसमें जॉइन करना है और जॉइन करने के बाद आपको डबल सिलाई लगाना ही है। इसमें पट्टी लगाएंगे, क्रॉस पट्टी को आपको ऊपर की तरफ पलट देना है। ऊपर की तरफ पलट के आपको सिलाई लगाना है, सीधा सीधा सिलाई लगाना है। सीधा सिलाई लगाने के बाद फिर आप पट्टी को नीचे करके सीधा करके ऊपर से आप एक सिलाई लगाओ चाहे दो सिलाई लगाओ, आपकी मर्जी। मैं दो सिलाई लगाई हूँ इसमें। इसमें फिनिशिंग अच्छा आता है और अच्छा भी दिखता है क्रॉस पट्टी। बैक पार्ट को भी मैं पहले जोड़ ली थी अस्तर और कपड़े को। देख सकते हो ये बॉर्डर मेरा पीछे आया है, एक बॉर्डर और एक बॉर्डर अस्तीन में आएगा। इसको अब मैं गला कटिंग करके दिखा रही हूँ आपको। गला कटिंग करने के बाद आपको इसको पीछे पार्ट में टक्स लगा लेना है। ये जो हम लोग पहले मार्क कर लिए थे 4 इंच टक्स पॉइंट के लिए,
इसमें मैं टुक्की भी लगाई थी, देख सकते इसमें टुक्की का निशान भी दिख रहा है आपको। अब मैं लंबाई भी इसका 4 इंच रख रही हूँ टक्स लगाने के लिए। अब इसको सेम इसको ऐसे ही तिरछा कोण बना लेना है। कोण बनाने के बाद इसको आपको सिलाई कर देना है, और सिलाई आपको काटना नहीं है, वही से फिर आपको रिटर्न डबल सिलाई चला के ले आना है नीचे साइड, ताकि इससे में हमारा लॉक हो जाता है सिलाई, ये देख सकते हो। अब सेम आपको दूसरे साइड भी वैसे ही लगा लेना है टक्स पॉइंट पर। जो मेरे चैनल पे नए हैं, जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन को जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो सबसे पहले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में मिल जाएगी आपको, जिससे कि आपको सीखने में बहुत ही आसानी होगी मेरी वीडियो को देख के। और जिनको समझ में नहीं आई बॉर्डर वाली ब्लाउज की कटिंग, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को देखिए अच्छे से, ना समझ में आए तो फिर आप मेरे को कमेंट करके पूछिए, मैं आपको फिर से बॉर्डर वाले ब्लाउज की कटिंग करके मैं दोबारा आपको दिखाऊंगी जिनको समझ में नहीं आएगी। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए मेरी वीडियो पे और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे को हुक लगाना है ब्लाउज में, तो ये मैं काज बटन का मैं लगा के दिखा दी हूँ आपको वीडियो में। राइट साइड में आपका हुक लगेगा, तो राइट साइड में मैंने अस्तर लगाया है, इसको फिर आपको अंदर साइड मोड़ देना है अस्तर को, देख सकते हो आप। लेफ्ट साइड में आई बनेगा, तो उस साइड हम लोग को कपड़ा लगाना है। वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी, और सिलने में सीखने में भी आपको इजी होगा। ये देख सकते हैं मैं लेफ्ट साइड में ये कपड़ा लगा रही हूँ आई बनाने के लिए। इसको आपको उल्टे साइड से सिल के ऊपर साइड सीधे साइड आपको इसको पलट देना है, पलट के इसमें आपको सिलाई लगा देना है। मशीन से ये आई बना रही हूँ, देख सकते हो। आपको नाप लेना है, नाप के आपको सेंटर बना लेना है। 5 लगाते हो आप 6 लगाते हो, उस हिसाब से आपको सेंटर बना के इसमें आई बनाना है। मैं मशीन से ही आई बना रही हूँ, मैं 5 ही लगाती हूँ, 5 से ज़्यादा हुक नहीं लगाती हूँ, तो इसमें मैं 5 ही आई बना रही हूँ। और देख सकते हो इसमें कितना कितना गैप है मेरा, मैं अपने अंदाजे से मैं लगाती हूँ, क्योंकि मेरे को टेक्निक पता है, और जिनको नहीं पता है वो आप निशान चौक से निशान मार्क करके भी लगा सकते हो। देख सकते हो आप कितना सुंदर आई बन के रेडी हो गया है मेरा। अभी मेरा फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट को मैं दोनों को सीधा कर ली हूँ। अब इसके ऊपर आपको बैक पार्ट को रखना है, बैक पार्ट को भी आपको उल्टा करके रखना है। अब इसको शोल्डर टू शोल्डर दोनों को जोड़ देना है, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को आधा आधा इंच करीब कपड़ा आपको इसमें जोड़ना है, जोड़ ली हूँ। अब इसमें मैं पाइपिंग काट के दिखा रही हूँ आपको, 2 इंच करीब ली हूँ मैं इसको। आपको पाइपिंग कपड़ा आपको हमेशा तिरछे में ही कटिंग करना है, सीधे में नहीं कटिंग करना है। सीधे में कटिंग करोगे तो आपका पाइपिंग कभी नहीं बनेगा, आपको हमेशा तिरछे में ही कटिंग करना है पाइपिंग कपड़ा।
सकते हो मैं कैसे निशान लगा रही हूँ। अब मैं इसको कटिंग भी कर रही हूँ, तिरछे में कटिंग करना है आपको हमेशा, पाइपिंग सीधे में नहीं करना है। कटिंग कर ली है, अब इसको देखो कोन टू कोन आपको जोड़ना है, इसका जोड़ के इसको डबल करना है, इसको भी ये हो गया है जॉइंट। जॉइंट होने के बाद ये आपका सीधा हो जाता है। अब इसको सामने साइड थोड़ा सा कटिंग करके इसको मोड़ देना है अंदर साइड, मोड़ने के बाद आपको ये गले में से आपको पकड़ना है, पाव इंच करीब कपड़ा आपको पकड़ना है इसमें सिलाई के लिए पाइपिंग का। ज़्यादा सिल दोगे तो उसमें फिर आपको पाइपिंग बनाने में मोड़ने में फिर दिक्कत होगी। ये देख सकते हो मैं कैसे सिलाई कर ली। लास्ट में आपको थोड़ा सा छोड़ के कटिंग करके इसको मोड़ देना है अंदर साइड, देख सकते हो ये मेरा हो गया है सिलाई। अब इसको पाइपिंग बनाना है। जैसे आपको मोड़ के पकड़ना है, किनारे से ही आपको सिलाई लगाना है, पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं चढ़ना चाहिए। किनारे से लगाएंगे तो आपका पाइपिंग अच्छा गोल बनेगा और अच्छा भी दिखेगा। ये मेरा हो गया पूरा सिलाई। देख सकते हो कितना अच्छा पैकिंग बना है मेरा। फाइनल लुक ब्लाउज का, इसमें मैं आपको आस्तीन का नहीं बताया क्योंकि मेरे पहले की वीडियो में भी मैं आस्तीन लगा के दिखा चुकी हूँ, कटिंग करके दिखा चुकी हूँ। तो देखिए मेरा एक बॉर्डर आस्तीन में आया और एक बॉर्डर बैक साइड में आया। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये बैक पार्ट, एक बॉर्डर पीछे बैक में, आस्तीन में बॉर्डर। Thank you for watching my video.